नारुतो सीरीज के अंदर कई सारे ऐसे कैरेक्टर थे जिन्होंने सारिंगान एंड मांगेक्यू सारिंगान दोनों को ही अवेक्ट कर लिया था, जहां हर एक कैरेक्टर के मांगेक्यू सारिंगान की पावर अलग अलग होती थी। जैसे किसी कैरेक्टर के मांगेक्यू सारिंगान की पावर जेनजुत्सु होती थी, तो कोई कैरेक्टर अपने मांगेक्यू सारिंगान के पावर से टाइम एंड स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता था, जहां हमें लगभग सभी कैरेक्टर के मांगेक्यू सारिंगान की पावर पता थी। जैसे मादर टाइम को मैनिपुलेट कर सकता था, ओबीटो अपने कामुई से स्पेस को मैनिपुलेट करके कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता था, एंड इताची के पास अमातेरासु एंड सुकियोमी जैसा जेनजुत्सु था। बट क्या तुमने कभी सोचा है कि इताची एंड सासुके के फादर फुगाकू के मांगेक्यू सारिंगान की पावर क्या थी? बिकॉज फुगाकू ने अपने सारिंगान को मांगेक्यू सारिंगान में अवेक कर लिया था। तो फुगाकू के मांगेक्यू सारिंगान की पावर क्या थी? सो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि फुगाकू के मांगेक्यू सारिंगान की पावर क्या थी। एनीवे वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल एम्परर सुमित। थर्ड निंजा वॉर के टाइम पर जब फुगाकू के एक फ्रेंड की डेथ हो जाती है, तो फुगाकू का सारिंगान मांगेक्यू सारिंगान में अवेक हो जाता है, जहां फुगाकू अपने मांगेक्यू सारिंगान को सिर्फ थर्ड निंजा वॉर के टाइम पर ही यूज करता है, एंड उसके बाद फुगाकू अपने मांगेक्यू सारिंगान को यूज नहीं करता है, जिसके कारण हम ये नहीं जानते हैं कि फुगाकू के मांगेक्यू सारिंगान का नाम क्या था एंड उसकी पावर क्या थी। बेसिकली फुगाकू के मांगेक्यू सारिंगान की पावर एक गेंजुत्सु थी, जो इतना बैड एज था कि थर्ड निंजा वॉर के टाइम पर निंजास फुगाकू को फुगाकू ऑफ द विकेट आई के नाम से जानते थे, जिसका हिंदी में मीनिंग बुरी नजर का फुगाकू होता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि फुगाकू के मांगेक्यू सारिंगान की पावर इताची की तरह सुकियोमी हो, बिकॉज इताची एंड सासुके के पास अमातेरासु थी ब्लड रिलेटिव होने के कारण। तो ऐसा हो सकता है कि फुगाकू का मांगेक्यू सारिंगान सुकियोमी गेंजुत्सु हो, जिसे फुगाकू ने निंजा वॉर के टाइम पर यूज किया हो अपने एनिमी पर। एंड तुम्हें ये तो पता ही हुआ कि सुकियोमी कितना ज्यादा पावरफुल गेंजुत्सु है, जिसे पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर को मेंटली डिस्टर्ब किया जा सकता है। एंड इसी गेंजुत्सु के वजह से फुगाकू को फुगाकू ऑफ द विकेट आई के नाम से भी जाना जाता होगा। एंड फुगाकू के सेकेंड मांगेक्यू सारिंगान की पावर टाइम मैनिपुलेशन हो सकता हो, जिससे फुगाकू कुछ हद तक फ्यूचर को देख सकता हो, क्योंकि जब इताची अपने फादर एंड मदर को मारने आता है, तो फुगाकू को ऑलरेडी ये पता होता है कि इताची उचिहा क्लैन के सभी मेंबर को मारकर उसे मारने आ रहा है। सो ये सब मेरा एक ओपिनियन था, शायद ऐसा भी हो सके कि फुगाकू के मांगेक्यू सारिंगान की पावर अलग हो। एनीवे वीडियो खत्म हो चुकी है, एंड तुम अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो एम्परर सुमित से मैं हूं सुमित, एंड आप लोग as always keeping awesome।